अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान। सब भाइयों के आग्रह को मानकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया। उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानरराज सुग्रीव को संदेश भेजा गया कि वे विशाल वानर सेना के साथ यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए आवे। फिर विभीषण सहित अन्य राज महाराजाओं को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए। संसार भर के ऋषि महर्षियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा नैमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों के भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य में दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगवाए गए। सीता की सुवर्ण प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्ण वर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश देश के राजाओं ने श्रीराम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगत याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र से ही दी जा रही थी। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ एक वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने दो शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में सर्वत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे यह भी कहा कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो तुम केवल इतना कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का सस्वर गान करने के लिए चल पड़े।